नमस्कार एंड वेलकम टू फुटबॉल ट्यूब। मेरा नाम है संजीव। तो इस वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो बने ही हैं, साथ के साथ कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी हैं जो कि फुटबॉल से रिलेटेड नहीं है, और उन रिकॉर्ड्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। गूगल में बहुत सारी सर्चेज हुए, ट्वीट्स बहुत ज़्यादा हुई, और एक ऐसा रिकॉर्ड भी बना है जो कि इंडिया में आज तक ऐसा कभी नहीं बना। तो बात करेंगे इस वीडियो में, मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप फुटबॉल ट्यूब पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम उसी रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेते हैं जो आज तक इंडिया में पहले कभी नहीं बना। 2022 के फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया था अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच। जिस वर्ल्ड कप के फाइनल को देखा था 3,20,00,000 से भी ज्यादा लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ जियो सिनेमा पर। जी हाँ, यहाँ पर मैं सिर्फ जियो सिनेमा की ही बात कर रहा हूँ। और इंडिया में जियो सिनेमा ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है। वो कैसे कि डिजिटल ऑडियंस ज्यादा आई है एज कम्पेयर टू टीवी की ऑडियंस, मतलब टीवी से भी ज्यादा लोगों ने देखा था इस पूरे वर्ल्ड कप के फाइनल को जियो सिनेमा पर। और 32 मिलियन लोगों ने देखा, 32 मिलियन मतलब 3.2 करोड़ लोगों ने जियो सिनेमा पर ही देखा, और ये पहली बार हुआ है जब डिजिटल ऑडियंस ज्यादा आई है एज कम्पेयर टू टीवी की ऑडियंस। और अगर पूरे की पूरे ऑडियंस देखे जियो सिनेमा की, तो जियो सिनेमा ने ये रिपोर्ट किया है कि 110 मिलियन लोगों ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 देखा है। 110 मिलियन मतलब 11 करोड़ लोगों ने तो सिर्फ जियो सिनेमा पर ही देखा है। और इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जियो सिनेमा नंबर 1 ऐप रहा था गूगल के प्ले स्टोर और एप्पल के स्टोर पर, और ये एक महीने तक लगातार नंबर 1 ऐप रहा था। बहुत सारे लगभग 10 करोड़ लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि इनका स्पोर्ट्स चैनल है स्पोर्ट्स 18+ और जियो सिनेमा, क्योंकि ये दोनों के दोनों वाईकॉम 18 के ही नेटवर्क हैं। और मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया कि इंडिया में वाईकॉम 18 के पास फीफा वर्ल्ड कप के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं। इन्होंने कहा है कि स्पोर्ट्स 18 और जियो सिनेमा के अगर टोटल मिनट्स काउंट कर लें तो वो आए हैं टोटल 40 बिलियन मिनट्स, और इसको अगर आप आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आएंगे 66 करोड़ घंटे। इन 66 करोड़ घंटों को अगर आप दिनों में कन्वर्ट करेंगे तो यह आएगा 2,75,00,000 दिन, और इसका मतलब 9,04,108 महीने, जिसका मतलब है 75,342 साल, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और एक ऐसी कंट्री के लिए जिस कंट्री ने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं किया था, वहां से इतनी ज्यादा व्यूअरशिप आना बहुत ही बड़ी बात है। नाउ आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था तो जियो सिनेमा इतना ज्यादा ट्रैफिक हैंडल नहीं कर पाया था एंड उनका पूरे का पूरा नेटवर्क क्रैश कर गया था, जिसके बाद उन्होंने ये ट्वीट भी किया था, माफी भी मांगी थी, काफी सारे मीम्स भी बने थे इसके ऊपर। लेकिन पहले दिन के बाद काफी ज्यादा इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी एंड उसके बाद ऐसी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई, जिसके बाद पूरी इंडिया ने आराम से ये वर्ल्ड कप देखा। इसके बाद अगर बात करें गूगल की, तो गूगल ने रिपोर्ट किया है कि गूगल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सर्चेज आए हैं फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान। जी हाँ, गूगल ने ये खुद रिपोर्ट किया है, और गूगल के ही सीईओ सुंदर पिचई जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, इन्होंने खुद ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी है कि 25 सालों में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल के दौरान जो अभी फाइनल हुआ है इसमें सबसे ज्यादा सर्चेज आए हैं, और ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी दुनिया सिर्फ यही फाइनल सर्च कर रही है। इसके बाद अगर बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर पे भी सबसे ज्यादा ट्वीट की फ्रीक्वेंसी आई है, 24,400 ट्वीट्स पर सेकंड हुए हैं। हर सेकंड लगभग 25,000 ट्वीट्स आए हैं, जो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है किसी भी वर्ल्ड कप को लेकर, और ये खुद रिपोर्ट किया है ट्विटर के नए सीईओ इलॉन मस्क ने। तो ये हैं वो कुछ रिकॉर्ड्स जो कि व्यूअरशिप के मामले में बने हैं, और इंडिया से ही अभी सिर्फ रिपोर्ट किया है जियो सिनेमा ने, हालांकि कुछ और देशों ने भी रिपोर्ट किया है, लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड के रिकॉर्ड्स आना भी बाकी है। अगर आप चाहते हैं तो उसके ऊपर भी एक आपको वीडियो मिल जाएगी, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं क्या वो आप वीडियो चाहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा, अगर हेल्पफुल रहा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन प्ले फुटबॉल एंड स्टे सेफ।